फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है ये मेकअप लुक, जो कि मैं क्रिएट की हूँ फॉर वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे भी बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वैलेंटाइंस डे स्पेशल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो इसीलिए मैं ये लुक क्रिएट की हूँ। सो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं ये लुक कैसे क्रिएट की हूँ, सो मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें। तो वीडियो पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हो इट रियली मीन्स अ लॉट। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे ठीक उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। मैं प्राइमर के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। इसे मैं थोड़ा सा लेके अपने फेस पे लगा लूँगी अच्छे से। फिर फाउंडेशन के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, और मेरा शेड है 02। इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस और नेक पे लगा लूँगी, और फिर एक बफिंग ब्रश से इसे ब्लेंड करूँगी। इस फाउंडेशन का फुल रिव्यू एंड डेमो मैं अपने चैनल पे करके रखी हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, और उसके लिए यहाँ मैं मेबलिन फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 20 सैंड सेबल। इसे मैं अपने अंडर आईज़, आईलिड्स और जहाँ जहाँ मुझे कंसील करना है वहाँ वहाँ लगा लूँगी। और आईलिड्स पे मैं लगाई एज माय आई शेडो बेस, और फिर मैं वही सेम ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अपनी मेकअप बेस को सेट करने के लिए मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है पर्ल। इस कॉम्पैक्ट से मैं अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लूँगी। अभी अपने लिप्स को प्रेप करने के लिए मैं ब्लू हेवन का लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लिप से सारा ड्राइनेस चला जाए। अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए यहाँ म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ इन द शेड ब्राउन। अभी सेम तरीके से मैं अपने दूसरे आईब्रो को भी फिल करूंगी। अभी मैं आई शेडो के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इस पैलेट में से मैं ये मैजेंडा पिंकिश कलर पिक करूँगी, और अपने आउटर कॉर्नर पे फोकस करते हुए आईलिड पे अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करती जाऊँगी इस तरह से। अभी मैं ये कोरल पिंक कलर पिक करके अपनी क्रीज लाइन और क्रीज लाइन के थोड़ा सा ऊपर प्लेस करूंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो। फिर
ट्रांजिशन के लिए मैं इस पैलेट में से ये लाइट ब्राउन कलर पिक करूँगी और अपनी ट्रांजिशन में प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ ब्यूटिफुल आई लुक। आप लोग भी तब तक ब्लेंड कीजिएगा जब तक आपको लगे ना कि आपके आई मेकअप एकदम स्मूथ हो गया है, एक कोई भी हार्श एजेस नहीं रहना चाहिए। अभी एक क्लीन ब्रश से अपने सारे आई शेडोज के कलर्स को ब्लेंड करूंगी ताकि सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाए, और फिर इस आई शेडो पैलेट में से ये शैम्पन कलर पिक करूंगी और इनर कॉर्नर से मिडल आईलिड तक इसको प्लेस करूंगी। फिर से वही सेम पैलेट में से वही सेम मैजेंडा पिंकिश कलर लेके अपनी आउटर कॉर्नर पे फिर से प्लेस करूँगी थोड़ा सा कलर इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। फिर मैं उस पैलेट में से वो शैम्पन कलर को अपनी फिंगर से पिक करके अपनी आईलिड डैप करूँगी इस तरह से, और फिर वही ब्रश से ब्लेंड करती जाऊँगी इस तरह से। हम लोगों को ब्लेंड बहुत अच्छे से करना चाहिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ वीडियो में, आप लोग देख रहे हो। इसके बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई करूंगी ऑफ कैमरा। तंतना फॉल्सेस अप्लाई हो गया। अभी मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर और उसके लिए लैक्मे इंस्टा लाइनर यूज कर रही हूँ। इससे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। अभी मस्कारा के लिए मैं मेबलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा अप्लाई करूंगी। इससे मैं अपने आईलैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। अभी मैं काजल के लिए NYB काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन और लैश लाइन पे। फिर एक फ्लैट ब्रश से मैं अपने काजल को स्मज करूंगी इस तरह से। फिर उसी सेम आई शेडो को लेके अपनी आईज के नीचे भी स्मज करूंगी एकदम लैश लाइन के क्लोज क्लोज, और फिर मस्कारा से अपने बॉटम लैशेस को भी कोट कर लूंगी। अभी जितना सारा आई शेडोज का फॉल आउट था उसे मैं ब्रश से क्लीन कर लूंगी। अभी मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज अप करने के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश इन द शेड 502। ये ब्लश है पर मेरे स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क है, सो ब्रॉन्जर का काम अच्छे से करता है मेरे लिए, सो आई एम यूजिंग दिस वन। अभी हाइलाइटिंग के लिए मैं अलग से कोई हाइलाइटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, बल्कि मैं उसी आई शेडो पैलेट में से वो शैम्पन कलर लेके अपनी यूजुअल प्लेसेस को हाईलाइट कर लूँगी। के बाद मैं इस पैलेट में से ये ब्राउन कलर लेके अपने नोज को भी कंटूर करूंगी थोड़ा सा। अभी मैं ब्लशर के लिए यहाँ यूज कर रही हूँ मेबलिन का चिकी ग्लो ब्लश इन द शेड क्रीमी सिनेमन। इसे मैं अपनी एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी। अभी मैं लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ और उसके लिए मीनाओ जनरेशन 2 का सुपर मैट लिप लाइनर यूज कर रही हूँ इन द शेड 069। अभी मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक और उसी लिए मैं कलर एसेंस का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन द शेड 67 ब्रिक रेड। अभी मैं अपने पूरे मेकअप को लॉक करने के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर में स्प्रे करके अपने फेस पे डैप कर रही हूँ ताकि मेरा पूरा मेकअप लॉक हो जाए अच्छे से। सो गर्ल्स, दिस इज द फाइनल फिनिश लुक ऑफ माइन। Feel the waves cut through me.
hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky, all because of you. Dripping lights paint the sky, only you. So friends, यही था वो मेकअप लुक जो कि मैं क्रिएट की हूँ फॉर वैलेंटाइंस डे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी। सो आज के वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे ब्लेस्ड।